हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन शर्मा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूड लवर्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कच्चे पपीते की सब्जी। तो जिस तरह से पका हुआ पपीता खाने में स्वादिष्ट लगती है, ठीक उसी तरह से कच्चे पपीते की भी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पपीते में विटामिन्स न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इसकी सब्जी बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बड़े साइज की पपीते ली हूँ, तो इसे हम हाफ इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमें इसे हाफ बनानी है, तो हम हाफ यहाँ पर रख देंगे और इसे हम बीच से भी कट कर लेंगे हाफ, और इसका जो सीड से वो सारा रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हम इसके सारे सीड्स रिमूव कर लेंगे और इसके छिलके हम इस तरह से छिलकर हटा लेंगे। तो देखिए, हमारा जो पपीता यहाँ पर अच्छे से छिलकर तैयार हो चुका है। तब हम इसे काट लेते हैं इस तरह से, और इसके आगे के जो पार्ट है उसे इस तरह से काटकर हटा देंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर सारा पपीता छिलकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो अगर आप पपीते की सब्जी को कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बड़े साइज में कट करें। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लें। तो देखिए, हमारा जो पपीता कट कर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम गैस ऑन कर कढ़ाई रखें। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। अब हम इसमें डाल दिए हैं 1 कटी हुई प्याज और 1 तेज पत्ता, और इसे हम भून लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो प्याज है, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हमारी कटी हुई पपीते, जिसे मैंने अच्छे से धोकर तैयार कर ली हूँ। तो अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो हमें इस तरह से इसे चला लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए लगातार भून लेंगे, जब तक कि हमारा जो पपीते में हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और हमारा पपीता सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें पपीते को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है, और इसमें एक हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा जो पपीता भी हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तब हम यहाँ पर डालेंगे 2 ग्रीन चिली कटी हुई। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम इस तरह से चला लेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भी भून लेंगे, जब तक कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है अच्छे से भून ना जाए। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, और 3/4 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को पपीते के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर इन मसालों को भून लेंगे, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो जल सकता है अगर हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर मसालों को भून लेना है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट बाद हमारा जो मसाला अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे वाटर। तो यहाँ पर हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देनी है, और अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक कि हमारा जो पपीता अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पपीता है वो भी अच्छे से पक तैयार हो चुके हैं। तब हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ती से हमारा जो पपीते की सब्जी में स्वाद और भी बढ़ जाती है। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, देखिए ईजिली कट भी रहे हैं हमारे पपीते। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। तब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज की हमारी ये कच्चे पपीते की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस सब्जी को रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।